अब चला चलते हैं हम लोग बारामती, तीसरे चरण का मतदान चल रहा है इस समय। और बारामती एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है। वहाँ से हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी विनया देशपांडे हमारे साथ जुड़ रही। विनया जी नमस्ते। विनय से बात करिए फटाफट। जी नीरज जी, बारामती से हम यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सुप्रिया सुरे ने अपना मतदान दे दिया है। सुनेत्रा पवार, अजित पवार, शरद पवार, सभी जो महत्वपूर्ण मतदाता हैं यहाँ पे, उन्होंने मतदान दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने बाहर आके वोट करना चाहिए, अपील की है लोगों से। देख रहे हैं हम कि कट टू कट अपील है। लेकिन एक मिनट में आपको अगर इस लड़की के पास लेके जा सकूं, ये अमेरिका से आई हैं, बारामती की रहने वाली हैं, यहाँ पे आई हैं मतदान करने के लिए। आपका नाम बताइए, कहाँ रहती है अमेरिका में, और आप मतदान के लिए यहाँ पे आई हैं आज? मेरा नाम प्रणोति किकले है और मैं यूएस में वॉशिंगटन डीसी में रहती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए आने वाली थी, लेकिन आई जस्ट प्रीपोन माई टिकट, सो आई बी एबल टू यू नो वोट। सो या दैट्स इट। लेकिन दुनिया में ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज माना जाता है। आप यूएस में रहती है, यहाँ पे आके क्या महसूस होता है आपको? वेल, इंडिया सबसे लाइक यू नो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट हम हमारा राइट टू वोट यू नो हमेशा ऐसे कायम रखे। यू नो वी नीड टू सेव द डेमोक्रेसी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो देखें आप नीरज जी, ये अमेरिका से आई हुई लड़की थी, इन्होंने वोटिंग किया है आज। और हम देख रहे हैं कि बारामती, जहाँ पे कांटे की टक्कर हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कल रोहित पवार ने भी ट्वीट किया करते हुए कहा कि पैसे बांटे जा रहे हैं यहाँ पे अजीत पवार गुट की तरफ से। सुप्रिया सुरे ने अभी हमसे बात करते हुए कहा कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी जगहों पे पैसे बांटने के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। एक तरफ शरद पवार अपनी बेटी के पीछे खड़े हैं, सुप्रिया सुरे जो दो टर्म एमपी यहाँ से रह चुकी हैं, वो तीसरे टर्म के लिए लड़ रही हैं, पहली बार अपने ही परिवार वालों के ऑपोजिट में लड़ रही हैं। सुनेत्रा पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं, उनकी पत्नी हैं, वो इस बार भाजपा और महायुति की तरफ से कैंडिडेट हैं। तो एक तरफ से हम देखें तो ये पवार वर्सेस पवार फैमिली है, दूसरी तरफ से हम देखें तो कोई भी जीते सीट पवार फैमिली में ही रहने वाली है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर हम आंकड़ों से जाएं तो विधानसभा, ये जो बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 6 में से 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज भाजपा की हैं। और इस तरीके से भाजपा को ये पूरा विश्वास है कि वोटिंग ज़्यादातर सुनेत्रा पवार के लिए होंगी, लेकिन मतदाता जो हमेशा अजित पवार के खिलाफ मतदान करते आए हैं इन सीटों पे, क्या वो इस बार अजित पवार के लिए मतदान करेंगे, ये सवाल है। बैक टू विनयन, सवाल एक ये भी है कि ननद और भौजाई की लड़ाई है और दोनों के कार्यकर्ता कुछ समय पहले तक एक ही थे, अब कैसे आपस में क्या उत्साह दिख रहा है, क्योंकि घर की लड़ाई है, किस तरह से माहौल क्या है वहाँ का? माहौल तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ सब अलबेल माहौल है, दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता बाहर निकल के जो कैंपेनिंग है वो पूरे होश और जोश से कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार की तरफ से, सुप्रिया सुले की तरफ से जो कैंपेनिंग चल रही है वो भावनिक मुद्दों पे चल रही है, ये कहते हुए चल रही है कि लोकसभा के लिए जैसे आपने हमेशा शरद पवार को चुना, इस बार भी शरद पवार और सुप्रिया सुले को चुनेंगे। और क्योंकि शरद पवार अकेले और इस उम्र में लड़ रहे हैं, उनकी बेटी उनके साथ लड़ रही है, तो ये एक इमोशनल अपील हमको ग्राउंड पे काफी दिखाई पड़ता है कि इसीलिए लोगों ने तुतारी के साथ आना चाहिए। इस तरीके का प्रचार सुप्रिया सुरे की तरफ से हो रहा है, दूसरी तरफ से अजित पवार अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बता रहे हैं कि जो भी काम यहाँ पे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो सारे के सारे अजित पवार की वजह से हुए हैं, और इसलिए काम के लिए, प्रोग्रेस के लिए मतदान होना चाहिए। देखिए, ये पहली बार है कि यहाँ पे बारामती में ऐसा मतदान होने वाला है जहाँ पे अजित पवार विरुद्ध शरद पवार, ऐसा ये मतदान होने वाला है। सो ये बात ननंद भौजाई की सिर्फ नहीं है, ये हम देख रहे हैं कि जिसने यहाँ पे दशकों से काम किया है ग्राउंड पे और जिसके लिए काम किया है, शरद पवार के नाम पे काम किया है, तो ये पहली बार है कि ऐसा टेस्ट होने जा रहा है कि लोग अजित पवार के लिए वोट करेंगे या शरद पवार के लिए वोट करेंगे, या लोग लोकसभा के लिए अलग विचार करेंगे और विधानसभा के लिए अलग विचार करेंगे।
बिल्कुल विनय, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमेशा होता है लोकतंत्र के पर्व में कि नाम का भी चुनाव है, परिवार का भी चुनाव है, काम का भी चुनाव है, रिश्तेदारियों का चुनाव है, कहीं बिना मतदान के ही लोग जीत गए हैं, सूरत भी हमने देखा। तो ये लोकतंत्र के पर्व में ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में जहाँ रिश्तेदार आपस में लड़ रहे हैं, जीजा साले का भी कंपटीशन हो रहा है कई जगहों पे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। बारामती का चुनाव बहुत ही प्रेस्टिजियस, इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प है कि सुप्रिया जीतती हैं कि सुनेत्रा। बहरहाल ये हम लोगों को पता चलेगा 4 जून को। वापस आते हैं बाजार।